Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all will be fine, fit, fat, and may Allah keep you happy in whole life. Dear students, in today video we will clear our concept regarding passive voice. Okay, in this video we will learn how can we change a future perfect tense into passive voice. Okay, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियोस में हमने पैसिव वॉइस के रूल्स सीखे थे, इसी तरह हमने जो थे प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, ठीक है, और फ्यूचर टेंस के कुछ जो थे टेंसेस जो थे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, इन्हें हमने क्या किया था, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था, ठीक है, और हर टेंस जो है इसके ऊपर हमने क्या की थी, एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, हमने कैसे इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो इन सेंटेंस को हमने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है जो स्ट्रक्चर लिखा है पैसिव वॉइस का, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझें, अगर हम क्या करें, अगर हमें पैसिव वॉइस के रूल्स का पता हो, ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है जितने भी सेंटेंसेस है हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, वेल शैल है, प्लस हैव है, प्लस बीन है, प्लस थर्ड वर्ब है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, हमने इन सेंटेंसेस को क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है द वर्ब, यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब वेल है और शल है, ठीक है, तो हम आई और वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जितने भी बाकी प्रोनाउंस है उसके साथ हम क्या करते हैं, हम आर सब्जेक्ट साथ क्या करते हैं, हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, हैव है, इसके बाद क्या है, बीन है, ठीक है। हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वो है हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो बीन है, ठीक है, हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद क्या है, बाय और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में यही क्या है, ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, इसी तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, वो हैम है, ठीक है, तो यही जो होगा ये हैम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, अब इन सेंटेंस को हमने कैसे चेंज करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, और हमने क्या करना है, अपने जहन में वो रूल्स रखने हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस के जो हमने पिछली वीडियो में क्या किए थे, सीखे थे। अब ये एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है और ये इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर की मदद से क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन सेंटेंस की हमने क्या करनी है, हमने पार्टीशंस करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, इसके सेंटेंस पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमने इसके पार्ट्स बना लिए, अब हम आसानी से क्या कर सकेंगे, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है।
जैसे कि हमने बोला था, ये देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां, ठीक है, द वर्क, ठीक है, ये द वर्क हो गया। इसके बाद वेल और शेल, तो ये द वर्क है तो हम वेल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हैव है, वन हैव, इसके बाद पैसे वाइज का जो हमारा हेल्प है वन, वो क्या है, वो बीन है, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम क्या है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कंप्लीटेड, यहां पर बाय हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है ना, तो ये ही सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, है, ये हैम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका टेंस जो है एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है, द वर्ड विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हैम, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है हमने नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, द चेयर, ठीक है, द चेयर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, वेल का इस्तेमाल करेंगे, द चेयर वेल, ठीक है, वेल। अब यहां पर क्या हैव है, ठीक है, सॉरी, यहां पर आपने क्या करना, वेल के बाद आपने क्या करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर मैन हेल्प के वर्क के बाद आपने क्या करना है, वेल के बाद आपने क्या करना है, यहां पर नॉट का इस्तेमाल करना है, नॉट, द चेयर विल नॉट हैव बीन, हैव बीन, ठीक है, ब्रोकन है तो ब्रोकन ही हम लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म डूअर हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में, ब्रोकन। अब यहां पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय, तो ये आप देख सकते हैं, ये दे है, ये सब्जेक्ट जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये दे है, ये देन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय देन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपने इसी तरह क्या करना है, इसी तरह आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देख जैसे आपने यहां पर जो है गौर से देखना है, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हैव और शल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आपने इस बात जरा गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने कैसे इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये यहाँ पर द क्लॉथ, हम यहाँ पर द क्लॉथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव होगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेल का इस्तेमाल करें, शल का भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये है द क्लॉथ है, ये ना तो यहाँ पर आई है और ना यहाँ पर वी है, ठीक है, हम आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर द क्लॉथ है तो यहाँ पर शल, सॉरी, यहाँ पर वेल होगा, वेल, ठीक, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह वेल द क्लॉथ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वेल द क्लॉथ यहां पर फिर क्या होगा, हैव बीन, स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है, बीन, यहां पर वॉश है तो ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वॉश बाय, ठीक है। तो ये अब शी है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है, शी, तो ये क्या हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हर, और ये साइन ऑफ इंटरोगेशन होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आपने जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस से आपने क्या करना है, इसी तरह आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आज की वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा, और आपका जो माइंड है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमने कैसे जो है सेंटेंसेस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, अफॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब एक जो स्ट्रक्चर है डबल ऑब्जेक्ट्स वाला, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो इस चैनल में क्या है वो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एक जो है एक दूसरा स्ट्रक्चर है डबल वर्ब वाला, ठीक है,
एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें डबल वर्ब्स आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।